बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का हम वीलॉग स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने गांव में, जहाँ पर मेरा सारा बचपन गुजरा है, और गांव में जो जो चीज़ें हैं वो कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चले चलते हैं और देखते हैं कि मेरा गाँव कैसा है। ये मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ जहाँ से हम बचपन में आपको खाने पीने की सारी लेते थे। ये दुकान है जी, ठीक है जी। खासा क्या सुना, ये खाल साहब है, ठीक है जी। ये शॉपकीपर है यहाँ। तो जी ये साड़ा बचपन, सारी गोलियाँ टोपियाँ इन्होंने दुकान पर खाते थे। सारा साड़ा टाइम इतने गुजरिया खाल साहब के नाल। हूँ तो माशाल्लाह इन्होंने भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो इन्होंने अजक आ सैटअप दिखाओ। अजकल उन्होंने पौड़िया का लगाया जी, उस तो बाद सब्जी का काम करते हैं नाल। यह दुकान सेटअप से जी सारे का सारा। ये बात ये यहाँ से हम खाते रहे जी, सारी चीज़ें अपनी जो चीज़ें घर की भी लेनी खानी पीनी सारी इधर से करते रहे। आप तो काफ़ी एडवांस हो गए, अंजन साहब भी आ गए, वो भी आपको मिलाऊंगा उनसे भी कि वो क्या करते हैं। ये देखें जी, ये फ्रंट वाला एरिया जहाँ से आपने एंटर होना है, अभी ये सारा टोटल डेवलप हो चुका है। ये जिस साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर लाहौर है और साहिवल शहर शुरू होता है। यहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर पर शहर है। ये हमारी मस्जिद है जी सामने वाली, ये मस्जिद है। और ये अब नई दुकान बन गई है जी, पहले खालिद की होती थी जिसे आपको मैंने मिलाया, अब ये नई बनी है। और ये कराची की तरफ से जो रूट आता है वो ये है। ये अभी सारा रोड वालों ने, ये एंग्रो वालों ने लगाए हैं सारे बेंचेस वगैरह, जहाँ पर ये लड़के बैठे हुए हैं सारे। ये देख, ये सारे ना ये डेवलप हो चुका है, ये शॉप्स वगैरह भी बन गई हैं। आप पहले मैंने आपको दिखाया कि बाट से लेते थे, आप ये आमर कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं। और ये हैं जी भाई, ये असगर साहब बैठे हैं इस टाइम। वैसे अंजम रन करता है, लेकिन अभी असगर बैठा हुआ है। और असगर साहब ठीक ठाक है, बस जी है, पूरी दुनिया नहीं जा रही है समय। हाँ जी, ये जी तैपूर है, ये मेरा भतीजा भी लगता है, ठीक है। तो ये हमारे जितने हुए बड़े बड़े हो गए हैं। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा, ये जो पीछे आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये शहर को जाता है साहिवाल शहर को। यहाँ से साहिवाल शहर जो है वो 3-4 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि रोड के ऊपर ही है गांव सारे का सारा। अब हम जा रहे हैं इधर सैर करने के लिए, नहर देखेंगे और ट्रेन वगैरह की पटरी आपको दिखाता हूं। ये जो ट्रेन के ट्रैक है, ये आपको जो मेरी बैक साइड पर नजर आ रहा है, ये लाहौर को जा रहा है, ठीक है। ये सब लाहौर आगे पेशावर जहाँ भी जा रहे हैं आपने, ये ट्रैक है। पहले एक होता था जब हम छोटे होते थे, अभी ये दो ट्रैक है, एक साथ दूसरा एक ये ट्रैक आने जाने के लिए। और जो हम मेरी फ्रंट साइड पर है, ये कराची को जाती है सारी की सारी जगह, ये कराची को सारे का सारा ट्रैक जा रहा होगा। के पास ही जंगलात है, जो साहिवाल का चीचा वतरी का जंगल आपने सुना होगा, ये वो है सबसे बड़े जंगल होते थे यहाँ पर। उसके बाद ये पीछे अभी गवर्नमेंट ने दे दिया था इसे लीज पर लोगों को, और यहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहे थे, अपने कनक मक्की वगैरह बीजते थे। ये ट्यूब वेल जो उनकी जगह बनी है पीछे सारी की सारी, लेकिन अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने ये जगह वापस ले लिया और उसके ऊपर दोबारा दरख्त लगाने लगे हैं, दरख्त उगा रहे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा। वो ये हैं जी मूसा, ये भी मेरा भतीजा, मेरे ताजी के बेटे हैं राशद, उनका बेटा ही है। तो आज ये हेल्प कर रहा है मूसा और तैमूर। तैमूर को मैं आपको मिला चुका हूँ, ये मूसा आज ये हेल्प कर रहे हैं जी मेरी वीडियो बनाने में भी और हमें जगह दिखाने में भी, क्योंकि अभी ये इधर ही रहते हैं तो इन्हें मेरे से अब ज़्यादा पता है क्या हो रहा है। यही मुझे बता रहे थे अगर आपको दिखा सके इधर। अब ये इस जगह पर दोबारा गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए हैं, टाली वगैरह किक्कर वगैरह दूसरे दरख्त लगाए हैं जो ये काट दिए थे। जब हम छोटे होते थे तो ये सारी जगह बहुत दरख्त होता था, जंगल जंगलात था पूरा।
अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काटना शुरू कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये जो नई गवर्नमेंट हमारी आई, उन्होंने दरख्तों की तरफ तवज्जो दी है और दरख्त अब लग रहे हैं। ये जी अब हम नहर पर पहुंच चुके हैं और एक शिकारी बंदा भी हमें मिल गया मोटा। ये जी हमारा बचपन का फ्रेंड भी है, दोस्त भी है और हमारे साथ इसने क्रिकेट भी बहुत खेली है। अब नहर पर आ गए हैं, नहर में आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जनाब से मिलाता हूँ आपको। यार जी मोटा जी ना, ये हमारे बचपन के दोस्त भी हैं, हमारे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं यहाँ पर सारे, और हमारे गांव में रहते हैं। इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है मछली पकड़ने के लिए कुंडियाँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक गालबन हिल भी रही है, ये देखें, ये इन्होंने कुंडी लगाई हुई है जी, मछली दिखाई, और ये मछली पकड़ी है जी इन्होंने, ये देखें। एक मिनट, अब ये देखें जी, ये इसने मछली पकड़ी है, ये मछली डंबरा है जी, ये डंबरा है जी, ये नहर की मछली है, और ये है जी नहर। ये जो गांव हम मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों तरफ है, और ये जी तैमूर का छोटा भाई है, वो आ रहा है। ये काफी बड़ी नहर है जी, इसमें दरिया से ज्यादा पानी है। ले जी आप नहर पर पहुंच चुके हैं। ये नहर आप मेरे पीछे काफी बड़ी नहर है, और ये अगर दरिया से इसे कंपेयर करें तो दरिया में पानी इसकी निस्बत कम होता है। ये सहराब करती है हमारी काफी ज्यादा रकबे को, तो जबरदस्त है जी, दोनों तरफ है। दूसरी नहर पर भी आपको लेकर जाऊंगा, आज तो सिर्फ इस तरफ आए हैं। इसके सेंटर में हमारा गांव है और ये दो सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये भी है जी नदीम, एक लड़का होता था इधर जी हमारे, अभी फौत हो गया इसका वालिद, ये उसका बेटा है। नाम की अभी तेरा सलमान नाम है इनका जी, और काफी छोटे देखा था, अब तो काफी बड़े हो गए हैं ये। बाकी आप तैमूर ने हमें कहा जी यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी साथ में बनी है, तो आप हम उसका विजिट करने जा रहे हैं कि वो कैसी है, तो वो दिखाते हैं आप उधर। आप देखें ये ट्रेन जा रही है, ये कोरे लेकर जा रही है, ये जी ट्रेन पीछे से गुजर रही है हमारे, तो ये जबरदस्त व्यू है, बहुत जबरदस्त लगता है जी। ये ट्यूबवेल था, मैंने आपको बताया लोग चले गए यहाँ से। अब ये जी हमें दिखाने लगा कोई तजर्बा करके, ये ट्यूबवेल का बोर हुआ हुआ, उसके अंदर पानी है और पानी की आवाज आ रही है। ये घर थे जी इनके, ऊपर ये हमारे पीछे आपको नजर आ रहा होगा KFC है जी, ये भी हमारे गांव में आ गया KFC, तो ये बड़ा खूबसूरत है जी, इसका व्यू अंदर से भी दिखाऊंगा किसी दिन आपको। और ये बहुत जबरदस्त इन्होंने बिल्डिंग बनाई है यहाँ पर, कहीं जब आज से 3-4 साल पहले रॉयल होटल के नाम से होटल हुआ करता था, अब यहाँ पर ये KFC बना है। और ये नबीद साहब है जी, अगर आप दिखा सकते वो सुजुकी की तरफ लेकर जाओ, ये सुजुकी कारों का शोरूम है यहाँ पर जी, मुल्तान रोड पर बना हुआ ये, इसके साथ वो ट्योटा वालों का, और ये नबीद साहब हैं जी, नबीद यहाँ पर सुजुकी शोरूम पर होते हैं जी, ये काम करते हैं, ये टेंटर बहुत अच्छे हैं गाड़ियों के, टेंटिंग वगैरह गाड़ी की करते हैं, बड़े ज़बरदस्त। और जो मेरे पास मैंने आपको गाड़ी दिखाई है वो भी नबीद ने उसकी डेंटिंग की हुई है, अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया उसकी डेंटिंग की हुए, अभी इंशाल्लाह दोबारा करवाएंगे इससे।
ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋਬ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੇ ਜੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੇ ਜੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਯੇ ਟਰਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਟਿਓਟਾ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਇਸਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ ਹੁੰਡਾਈ ਕਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਕਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਆਪ ਮੈਂ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨ ਸਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹਮਾਰੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੋ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਆਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸਕਾ ਜੀ ਆਪ ਯੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੇ ਸਜ਼ੂਕੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਪਰ KFC ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਟਿਓਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਹੁਆ ਜੀ ਟਿਓਟਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਧੀ ਯੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਟਿਓਟਾ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਥ ਮੇਂ ਯੇ ਪੰਪ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਆਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਜੋ ਹੁੰਡਾਈ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਯੇ ਉਨਕਾ ਯੇ ਉਨਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਇਧਰ ਯੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਉਨਕਾ ਜੀ ਔਰ ਯੇ ਆਗੇ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਯੇ ਆਪਰ ਸਾਈਡ ਤੈਮੂਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀ ਤਰਫ ਅਬ ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮ ਪਾਰਕ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪਾਰਕ ਕੀ ਤਰਫ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਅਬ ਪਾਰਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਭੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਂ ਪਾਰਕ ਕਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਾਰਕ ਕਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਉੜ ਗਏ ਜੀ ਯੇ ਪੀਛੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹਮ ਯੇ ਅਜ਼ਾਨ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਆਏ ਥੇ ਯੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਹੁਆ ਯੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਧਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਅਭੀ ਹਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਯੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਬਾਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਯੇ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਾ ਆਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਤੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਘੁਮਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਪਾਰਕ ਮੇਂ ਲੇ ਕਰ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਯੇ ਬਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬ ਘਰ ਚਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਅਬ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਮ ਵਾਪਸ ਅਬ ਹਮ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸਿਟੀ ਸੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਇਧਰ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਵੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਕਾ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਹਿਰ ਬਤਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਪਰ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਲੇ ਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਵੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖੇ ਯੇ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਆ ਪੱਕਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡੋਂ ਸੇ ਪੱਕਾ ਜਬ ਹਮ ਛੋਟੇ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਤੋ ਤਬ ਯੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਥੀ ਹਮ ਇਸ ਨਹਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਤੇ ਥੇ ਆਪ ਯੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਆ ਤੋ ਵੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਦੋ ਕਪਲ ਕੋ ਪਕੜ ਲਿਆ ਯੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਯੇ ਦੋ ਕਪਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ ਯੇ ਕਪਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਹੋਰ ਜੀ ਯੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਯੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਯੇ ਹਮਨੇ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਯੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਯੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜੀ ਯੇ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਸਾਈਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜਾਤੇ ਹੈ
और ये हमारे जो पाकिस्तान में रक्शे चलते हैं खास तौर पर पंजाब के अंदर वो ग्रीन कलर में होते हैं। ये ग्रीन रक्शा आपको पंजाब के अंदर नज़र आएगा और ये CNG है, 4-स्ट्रोक रक्शा आई है, तो हमारे पंजाब में यही नज़र आता है। जफर साहब ठीक जा रहा है रक्शा आपका? बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये इन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया था, नया रक्शा इनका सारे का सारा। ले जी आप अपनी वीडियो देखिएगा नेट पर। वेलकम टू साइड वर्ल्ड पाकिस्तान। हाँ जी, बाय बाय, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ने ना पक्की कर दी है, ये देखें ये पुल है, ऊपर सड़क गुजर रही है, ये सारी आप इन्होंने पक्की कर दी है। जब हम छोटे हुआ करते थे नहाते थे तो ये सड़क नहर पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्ची होती थी सारी की सारी, अब सारी इन्होंने पक्की कर दी है। अब ये साथ में ये भी हाउसिंग स्कीम बन गई है, ये इधर का हिस्सा था सारा, अब ये भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। चलो जी, बिल्कुल हमारे गांव में ये एक ना आटे की फ्लोर मिल भी है। अब ये रनिंग पोजीशन में है, चल रही है, ये आप देख रहे हैं ट्रक के ऊपर आटा लोड हो रहा है जी। ये भी इधर गांव के एज पर ही है, एक एंट्रेंस के ऊपर, ये भी सारी हाउसिंग थी। यहाँ पर हमारा बाग हुआ करता था, मेरी फुफ्फो का सारा बाग था इधर, अमरूदों का, अमरूद थे, आम थे, सारा, अब सारा यहाँ पर ख़त्म होकर हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं। और ये आटे की मिल है जी, ये आटे की मिल जी। अब मगरब का टाइम हो चुका है, ठीक है जी। हमारे पीछे अगर आपको मैं दिखा सकूं तो सूरज भी हमें नज़र आ रहा है, मगरब होने वाली है। तो आज का जो वीलॉग है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तैमूर का शुक्रिया अदा करते हैं, इसने हमें बहुत सैर करवाई। ले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, तो तैमूर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसने हमें यहाँ पर बहुत सैर करवाई है जी। आज पूरा गांव दिखाया, आज यादें जो है ना वो दोबारा ताज़ा हो गई हैं गांव की, तो यहाँ पर आए बहुत मज़ा आया। आप इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर फिरते हुए आपको मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। हमारा मेरे ताया जी का गाना आ गया, और ये मूसा खड़ा है जी। मूसा हम घर पहुंच गए हैं जी, ये अब मूसा है, ये मूसा ने डॉग रखे हुए हैं।